प्रिंस वगैरह उनकी बोलिंग जो कहने कैंप में मौजूद है, भाई क्या सूरत हाल जा रही है, पीटीआई के लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पर्ची दे रहे हैं, कोई पुलिस का या कोई पोलिंग एजेंट का कोई मसला मसाइल है अभी कि नहीं है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिपोर्ट जा रही है अभी तक, ठीक है, सूरत हाल बड़ी अच्छी जा रही है, इंशाल्लाह पीटीआई को फतह मिलेगी। और पुलिस ने आगे तंग किया, वो कह रहे थे आगे के अपने बैनर शैनर उतारे, पीटीआई का निशान इधर कोई ना जाहिर करे, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि इधर हमारे बड़े हमारे सर पे हैं। तो पुलिस ने जब आपके आपको कहा, सलमान खान राजा साहब ने भी यहाँ पे विजिट किया, तो अब कोई मसला वगैरह तो नहीं है? आप क्या सूरत आप कोई सूरत हाल नहीं, अब इंशाल्लाह बस पीटीआई को वोट डाल रहे हैं। अच्छा ये भी कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि पोलिंग का जो सिलसिला है वो बड़ा स्लो कर दिया गया है, कि लोगों को पता कि यहाँ पे पीटीआई की कारकुन है, ये सच है क्या, इस पे आप कहेंगे? ओ भावें तेज करें तो भावें स्लो करें लगा रहना। अच्छा दूसरा मुझे बताया कि ये सात दो नून लीग के कैंप्स में बड़ियानियां चल रही हैं और बड़ा कुछ चल रहा है, इधर सुखे मुंह आ रहे हैं पीटीआई वाले और डाल रहे हैं वो? जी इधर बस पूछ रहे हैं कि पीटीआई ढूंढ के आ रहे हैं लोग। अच्छा इधर ढूंढ के आके इधर तो इधर सारा कर रहे हैं नजाम, ठीक हो गया। यहाँ पे आगे भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इधर एक बार तो है ना, ये देखे ना, ये पीटीआई के माशाल्लाह कैंप पे बैठे हुए, क्या सूरत हाल है जी यहाँ पे? भाई बहुत अच्छी सूरत हाल है, हम जीत गए, सिर्फ लान होने आपस। अच्छा मुझे ये बताएं साथ वाले कैंप इस्तेमाल में पाकिस्तान में खाने चल रहे हैं, बड़ा भाई खोता बिरयानी चल रही है साथ, खोता बिरयानी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे मुझे बताएं कि उम्मीद है सलमान खान राजा साहब जीते, इंशाल्लाह वो विन कर गए होंगे, सिर्फ ऐलान होना है, ऐलान होना। हाँ जी। अच्छा तो ये जितने भी लोग हैं ये आप इसी इलाके से हैं सर? जी बिल्कुल इसी इलाके से हैं भाई, जी हाँ ना, नाग गार्डन टाउन। अच्छा ये बताएं कि लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि जी सुहेल जिया भट्ट साहब और ओन ने भी बड़ा काम किया, कोई काम हुए? जी जी भाई ये देख रहे हैं आप, इन्होंने ये फ्लेक्स लगाई है बस ये तो कुछ दिन पहले। अच्छा बस यही काम किए हैं, यही काम। हाँ जी बिल्कुल, सलमान खान राजा साहब आए थे यहाँ पर विजिट किया था, उन्होंने दोबारा भी कहते हैं? जी बिल्कुल इंशाल्लाह भाई, सुबह भी आए थे फिर आए। पोलिंग एजेंट्स का तो कोई मसला नहीं, अंदर जाके आराम से बैठ गए, किसी ने रोका तो नहीं? नहीं किसी ने कोई रोका नहीं, बस अगर दोबारा भी पुलिस आती है कोई ऐसा तो आप लोग तैयार बैठे हैं, रिजल्ट जो है फॉर्म 45 लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अमीन अमीदारी बैठे हुए हैं आपके सामने, आप भी हमारे पास ही हैं, आप भी हमारे साथ ही। ठीक हो गया जी, आप देख सकते हैं ये काफी गेट टूगेदर हुआ हुआ है, मेरा कैमरा मैन सजाद आपको दिखाए कि पीटीआई के पोलिंग जो कैंप है उधर भी अच्छी खासी जो रौनक है वो दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं आप कि लोग जो है समाज के राजा को वोट डालने के लिए काफी तादाद में आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको सर जी? रिंगन साहब को आप बताएं वोट किसको? जी वोट मैंने अपने सहारे राइज कर दिया, अब मैं बता नहीं सकता, सॉरी। अच्छा चलो ये बताएं कि यहाँ पर पीटीआई का ये कैंप है तो यहाँ पर पुलिस की या कोई पोलिंग एजेंट का कोई मसला तो नहीं है? सारा मामला सही जा रहा है, सुबह से हम बैठे हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है तो लोग आ रहे हैं और ये भी कोई लोग शिकायत करेंगे पोलिंग का मतलब कोई स्लो है, कोई तो ऐसी चीज है? नहीं यहाँ से तो ठीक है, अंदर का हमें पता नहीं, हम अंदर का यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर लोग जो है मुतमीन है और अभी तक उनका यही कहना है कि पोलिंग का जो अमल है वो भी चल रहा है और लोग जो है पीटीआई को वोट भी डाल रहे हैं, और सलमान खान राजा जो है तो दावा किया जा रहा है कि बस इम्कान ऐलान होना रह गया, बाकी वो जीत चुके होंगे। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।